नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, आईपी टेक्सल स्कूल एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आज का टॉपिक है एसक्यूएल सर्वर। हम बताएंगे कि एक्सेल फाइल को, एक एक्सेल डेटा को कैसे आप अपलोड करोगे एसक्यूएल के अंदर। जी हाँ, डायरेक्ट फाइल को आप कैसे यूजर इंटरफेस के जरिए आप अपलोड करोगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस जनवरी 2020 तक, मतलब कि 2019 खत्म होने से पहले मैं अपने चैनल पे 5000 वीडियोज अपलोड करने वाला हूं। तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो 5000 नए टॉपिक्स एमआईएस से रिलेटेड आपको पता चलेगा। सो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी वीडियोज को मिस ना करें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं एसक्यूएल सर्वर हमने खोल रखा है मैनेजमेंट स्टूडियो, उसमें मेरा एक सर्वर है। मैं सर्वर को लिख दिया और यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और मेरा डेटाबेस इंजन है, यह आ गया डेटाबेस। डेटाबेस में मेरा आईपीटी डेटा है, इसी के अंदर मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मतलब कि लाना चाहता हूँ, अपने डेटा को अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, टास्क पे जाऊँगा और यहाँ पे इंपोर्ट फ्लैट फाइल दिख रहा है आपको, इंपोर्ट फ्लैट फाइल क्लिक किया, नेक्स्ट। और हमने ब्राउज किया और अपने फाइल को, डेस्कटॉप पे फाइल है हमारा। और ध्यान है यहाँ पे एक्सेल फाइल जो है आई थिंक लेता है, कभी कभी ले नहीं लेता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सीएसवी फाइल को अच्छी तरह से ले लेता है। यहाँ बाय डिफॉल्ट टेबल नेम डेटा आ गया, कुछ और करना चाहो तो लिख सकते हो आप, नेक्स्ट, प्रीव्यू ऑफ डेटा। तो इसने डेटा को रीड नहीं किया, आई थिंक न रीड करने का रीजन है क्योंकि मेरा डेटा एक्सेलस एम फॉर्मेट में, तो आपका एक्सेल फाइल लेता है लेकिन सीएसवी फॉर्मेट में, तो आपको सबसे पहले अपने डेटा को सीएसवी फॉर्मेट में सेव करना होगा, कॉमा टेबुलेटर फॉर्मेट जो होता है उसमें आपको सेव करना होगा, तभी वो आपका लेगा वरना नहीं लेगा। हमने इसको सेव कर दिया। अब मैं इंपोर्ट शुरू से करता हूँ, प्रीवियस, और यहाँ से हम अपने फाइल को चेंज करते हैं और फिर नेक्स्ट। ओके, एक मिनट, मुझे इस फाइल को क्लोज करना होगा क्योंकि ओपन फाइल को भी नहीं लेता है। आ गया सारा डेटा। तो जैसे ही आपका फाइल को रीड कर लेगा, पूरा डेटा, पूरे कॉलम का डेटा यहां पे शो कर देगा। अब इसमें बता रहे हैं कि इसकी आपके इसके अंदर प्राइमरी कोई कौन सा है, अलाउड नल्स है या नहीं है, ये आपको बता रहा है। तो आपको जिसपे क्लिक करना है कीजिए, जिसपे क्लिक करना कीजिए। किसी का डेटा टाइप अगर आपको चेंज करना है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, फिनिश, यहां इंसर्ट डेटा आपका सक्सेस हो गया। मैं क्लोज करता हूं। अब आईपीटी में मैं टेबल पे जाता हूं, ये देखिए डेटा वन, डेटा नाम का हमारे पास आ गया। अब मैं इसको ऐड क्लिक करके सिलेक्ट 1000 रो पे क्लिक करूंगा, तो ये आपके सामने मेरा डेटा आ गया। तो इस तरह से आप जो है अपने एसक्यूएल फाइल को, इसके एक्सेल फाइल को एसक्यूएल सर्वर में डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो में बताएंगे कि एसक्यूएल फाइल का डेटा एक्सेल में कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये हम आपको लास्ट क्लासेस में बताएंगे, अगली क्लासेस में बताएंगे। तब तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ आप एडवांस एक्सेल से लेके एसक्यूएल सर्वर, पावर बीआई, टैबलो कुछ भी सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, वो भी जूम ऐप से, लाइव इंटरैक्टिव, वन टू वन।
तो आप पहले दो चार क्लास डेमो लीजिए, डेमो लेने के लिए आपकी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए और यहाँ पे आप फॉर्म को भर दीजिए, डेमो क्लासेस फॉर्म को फिल कर दीजिए, फिर एक दो क्लास डेमो लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे।